जी हाँ, आप में से काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कोई ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम अपने एंड्रॉयड के व्हाट्सएप का तमाम डाटा, यानी कि फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चैट्स वगैरह ट्रांसफर कर सके आईफोन के अंदर। भाई कोई ऐसा मेथड है या कोई ऐसी वीडियो ही बना दो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भैया जी कैसे आप अल्ट फोन के जरिए जो है ना भाई अपना तमाम व्हाट्सएप ही उठा के आईफोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो हाउ टू चैनल को देखते रहे। भाई रुको तो सही, अभी आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन भाई बताऊंगा वीडियो के एंड पे। तो इसलिए पहले तरीका देख लो कैसे ट्रांसफर डाटा करना है, उसके बाद बताऊंगा कि भाई यह क्या खुशखबरी है। ठीक है, तो ये ना हो कि वीडियो को एंड पे जाकर देख लो, उससे पहले सारा तरीका जान लो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल के अंदर, और यहाँ पर आपने लिखना है भैया जी अल्ट फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं वेबसाइट आ भी गई है, यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे द अल्टीमेट व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस ट्रांसफर, यानी कि altphone.com के ऊपर ही आपने जाना है। इस वेबसाइट को जो है वो आपने क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इस वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अल्ट फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर, मेक व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस ट्रांसफर बैकअप एंड रिस्टोर नेवर सो ईजियर। जी हाँ, सही कह रहे हैं भाई, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो थोड़ा सा आपको बताया भी हुआ है, डायरेक्टली ट्रांसफर व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस टू द न्यू फोन iOS यानी कि एप्पल के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर भी जो है अपने व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस का डाटा, यानी कि चैट्स वगैरह, वीडियोज वगैरह, तमाम मीडिया वगैरह जो है वो iOS से एंड्रॉयड के अंदर और एंड्रॉयड से जो है वो iOS के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। वन क्लिक टू बैकअप और रिस्टोर व्हाट्सएप डाटा एंड व्हाट्सएप बिजनेस। जी हाँ, एक क्लिक में जो है वो बैकअप भी बना सकते हो, उसे रिस्टोर भी कर सकते हो, और उसके बाद व्यू बैकअप एंड रिस्टोर व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस डेटा ऑन iOS एंड्रॉयड, यानी कि भाई देख भी सकते हो क्या आपने बैकअप जो है वो बनाया है, क्या रिस्टोर किया है iOS। और ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ भैया जी व्हाट्सएप के लिए ही नहीं, बल्कि लाइन के लिए भी है, वाइबर के लिए भी है, किक के लिए भी है, वी चैट के लिए भी है, यानी कि तमाम चीज़ों का डाटा सिर्फ व्हाट्सएप का ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, बल्कि लाइन, वाइबर, किक, वी चैट का डाटा भी जो है, इनके मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस, चैट्स वगैरह जो है वो भी आप एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर और आईफोन से एंड्रॉयड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो आईफोन 12 को भी कर रहा है, iOS 14 को भी, और एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 10 को भी जो है भैया जी सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका विंडो है, विंडो के लिए डाउनलोड करना चाहते हो विंडो के लिए भी कर सकते हैं, और मैक का करना चाहते हैं तो मैक के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो विंडो के लिए डाउनलोड करता हूँ, और यहाँ पर फ्री डाउनलोड के ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना। तो मैंने ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है, सीधा जो है वो प्रोसेस के ऊपर चलते हैं आफ्टर डाउनलोड। आई थिंक सो अब तक का जो है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप जो है ईजिली अपने तमाम एंड्रॉयड का डाटा व्हाट्सएप के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर जो है यानी कि अल्ट फोन फॉर व्हाट्सएप ट्रांसफर वो इंस्टॉल हो चुका है। हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी सिर्फ भैया जी ये सॉफ्टवेयर जो है वो व्हाट्सएप के लिए ही नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, लाइन, केक और वाइबर, वी चैट वगैरह की भी ट्रांसफर वगैरह, चैट्स को जो है वो मीडिया वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है एक एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर और आईफोन से एंड्रॉयड के अंदर। तो हम भाई एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर व्हाट्सएप का डाटा कर रहे हैं, तो इसीलिए व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने जो है वो बता दिया ट्रांसफ़र व्हाट्सएप डाटा बिटवीन iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस, इसके लिए दो मोबाइल फ़ोन यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो आपको शो की गई है। तो यहाँ पर आपने सोर्स जो है जिसका डाटा आप डेस्टिनेशन यानी कि दूसरी जगह पहुँचाना चाहते हो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई मैं एंड्रॉयड का डाटा जो है वो आईफोन के अंदर भेजना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो है मैं अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने जो है अपनी आईफोन डिवाइस यानी कि भैया जी डेस्टिनेशन को भी जो है टारगेट जिसे कर रहे हैं वो भी तो भैया जी लगाना है, तो ऐसे में मैं अपनी आईफोन के भी जो है वो भी भाई जी स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि मेरा आईफोन भी आ चुका है, एंड्रॉयड डिवाइस भी जो है वो भी कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर सिंपली जो है सबसे पहले बैकअप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और हम भैया जी अपने मोटोरोला का जो है ना वो बैकअप बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बैकअप नाउ के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ। भाई कहाँ पे है ये, ठीक ओके। तो यहाँ पर जो है हमने यानी कि मोटोरोला हमारी सोर्स डिवाइस जो है उसके व्हाट्सएप का तमाम बैकअप बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हमारा बैकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमने नंबर वो देना है जिस पर हमने जिस पर हमारा व्हाट्सएप जो है वो रजिस्टर्ड है और हम बैकअप जो है वो चाहते हैं, तो मैं दे देता हूँ और इधर से सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, हैज़ अनेबल टू स्टेप वेरीफिकेशन फॉर, यानी कि अगर आपकी टू स्टेप वेरीफिकेशन अनेबल है तो उसे डिसेबल कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर अगर डिसेबल है तो भाई बेस्ट है। तो ऐसे में मैं कंटिन्यू करता हूँ और फिर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरी किसी भी किस्म की टू स्टेप वेरीफिकेशन अनेबल नहीं थी। यहाँ पर हमें वेरीफिकेशन कोड जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ जाएगा, तो जैसे ही आता है तो भाई मैं वेरीफिकेशन कोड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैकअप जो है भैया जी सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली जो है आप व्यू बैकअप भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हम वापस जाते हैं। अब सिंपली जो है हमने जैसे ही बैकअप बना लिया, हम अब ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं सिंपली, और यहाँ पर आईफोन के अंदर हमारा अब डाटा जाने के लिए रेडी है। तो मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट अ बैकअप हिस्ट्री, ठीक है भाई कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे आईफोन का भी जो है वो अब बैकअप वगैरह बना रहे हैं। तो लो भैया जी, वही मोबाइल नंबर आपने फिर देना है जिस पर आपने थोड़ी देर पहले जो था वो बैकअप बनाया था। तो मैं दे देता हूँ और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपकी फाइंड माई डिवाइस जो है वो टर्न ऑन है तो आपने ऑफ करना है, तो मैं कर देता हूँ भाई। तो उसके बाद सिंपली आपने ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करना है, मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है बैकअप जो है वो ऑफिशियली ट्रांसफर हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो मेरे मैसेजेस थे, यानी कि व्हाट्सएप के, और ऑफिशियली यहाँ पर भी जो है ये दो मैसेजेस आ चुके हैं, यानी कि तमाम मैसेजेस जो है वो मेरे एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। और जी हाँ, अगर आप अल्ट फोन को अभी जाकर जो है ना वो डाउनलोड करते हो तो आपको मेरी तरफ से, जी हाँ मेरी तरफ से जो है ना वो 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और मैं आपको कोड भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो कोड इस्तेमाल करना है और भाई जी 30% का डिस्काउंट हासिल करो। भाई की भाई भाई कि इतनी की तो वाकफियत है। ठीक है, तो ऐसे में जल्दी से जाकर अल्ट फोन की यानी कि व्हाट्सएप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करो और दूसरों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, दोबारा नहीं कहूँगा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सा नहीं तो थोड़ा सा तो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देखें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल, और अगर ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं फिर बोलिए सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूँ नई वीडियो में होगी मुलाकात, अब तक ले जाता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।